हरि ओम ओम मिदगुंग व्रजननम मे सुदसवीरगुंगणगुंसुस्तै आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकशन्य भयसनी अग्नि प्रजां बहुलां मे गरुद्वन्नं भयोरेतोऽस्मा सुदत्ता। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया see।
एक बार प्रदक्षिणा करें अपने स्थान पर। ओम ज्ञान कार्य जपापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम आत्मा अभिवंदनम। आरती भगवान की तरफ दिखाएं, अपनी तरफ दर्शाएं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए अब हम सभी आगे की सूचना हमारे संचालक जी के द्वारा श्रवण करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएं। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की। धियम सदा परिभवग्नम भीष्टदोहम, तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाद्दीपोत्तम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्रिशूलत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवाति पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। गौरांगं रस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं, श्रीमद् राम हर्षड देवाख्यं, सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यंतां, वंदे श्री गुरु परंपरां। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जाने के, सुमिरो पवन तुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। मोहे सब विधि आसरो तेरो श्री रघुराज, बाह गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। बंधो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पावनी मैया सरयू की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर राघवेंद्र सरकार के वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णाले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम तथा इस श्री राम कथा में विराजमान संत समाज को मंच पर उपस्थित आचार्य वर को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर नमन और इस विषम परिस्थिति में भी दूर दराज के क्षेत्रों से ग्रामों से चलकर प्रभु की इस परम पावनी श्री राम कथा का श्रवण करने के उद्देश्य से पधारे हुए यहाँ विराजमान मेरे सभी श्रोता महानुभावों को सभी माताओं बहनों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर जय सियाराम। मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे भैया आदरणीय श्री रमेश सिंह जी एवं उनका समस्त परिवार। कुछ परिस्थितियां विषम हुई किंतु फिर भी पूर्ण प्रयास किया गया कि आप सभी को यह कथा आज भी सुलभ कराई जा सके और सभी के प्रयास स्वरूप हम और आप, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बहुत ही सुविधा में हैं, पर ये अवश्य जानती हूँ कि बहुत अत्यधिक असुविधा में भी नहीं है। प्रभु की कथा के लिए अगर थोड़ा बहुत ये सहना पड़ रहा है तो ठीक है। हमने आपने कल पंचम दिवस की प्रभु की विवाह उत्सव की सुंदर कथा का यहाँ पर बैठकर श्रवण लाभ प्राप्त किया और आज अष्टम दिवस की कथा के अंतराल में हम और आप
उसके आगे के प्रसंगों का श्रवण करेंगे। चूंकि समय भी थोड़ा अधिक से आज कथा विलंब से ही प्रारंभ हो पाई है, तो जहां तक प्रसंग आज पहुंचेगा ले चलने का प्रयास करेंगे। कल हमने ठाकुर जी के विवाह की कथा का श्रवण किया। पूरे हर्षोल्लास के सहित मिथिला धाम में मेरे ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। जैसा कि कल चर्चा की, श्री मिथिला धाम में आज केवल एक दूल्हा सरकार नहीं है, चार दूल्हे हैं और चार दुल्हन हैं, और चारों का विवाह एक साथ एक मंडप के भीतर संपन्न कराया गया है। कन्यादान हुआ। अच्छा कन्यादान के विषय में भी देखिए, कन्यादान का अर्थ क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करें। कई लोग इस पर बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि कन्या को दान कर दिया, अरे कन्या क्या कोई सामान है, कोई वस्तु है कि किसी को भी दे दिया। इस बात को थोड़ा सा समझिए। कन्यादान का अर्थ होता है गोत्र का दान करना। आप कन्या को नहीं दे रहे, आप उसके गोत्र का दान करते हैं। अब से वो कन्या आपके गोत्र को छोड़कर जहां आप विवाह कर रहे हैं उस गोत्र में जा रही है। आपके घर में अब सूतक पातक जो चीजें पड़े, इन चीजों से कन्या अब मुक्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि कन्या दान से कन्या का संबंध मायके से छूट जाता है, वो सदैव रहता है। पर यहाँ पर पिता साक्षी लेकर के, संकल्प लेकर के गोत्र का दान करता है और अपनी बिटिया का हाथ एक योग्य वर के हाथ में सौंपता है। पाणिग्रहण संस्कार एक इतनी सुंदर परंपरा है, एक इतना यह सुंदर एक दृश्य वैदिक धर्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। हमारे आपके मन के भीतर में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुकी हूँ, फिर भी अल्प में निवेदन करती हूँ, क्योंकि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्थान के श्रोता एक हो। अक्सर हमारे आपके मन में क्या भ्रांति होती है, क्या हम मानकर चलते हैं कि वर पक्ष बड़ा होता है और कन्या पक्ष छोटा होता है। पद में आप बड़े हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है, पर उस सम्मान में आप जो बड़े हैं, ये जो आपको एक गौरव का एक पल मिला है, इस चीज को आजकल हमने अभिमान का रूप दे दिया है। यद्यपि कोई संदेह नहीं कि वर पक्ष बड़ा है, सम्माननीय है, पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप ये उम्मीद करो कि कन्या पक्ष में बेटी का बाप हमेशा अपना सर यूं गर्दन झुका के आपसे बात करे, इसका ये तात्पर्य नहीं होता। मैंने बहुत सारे विवाह देखे हैं, जरा सी कुछ बात होती है, अरे हम लड़के वाले हैं, अरे हम वर पक्ष वाले हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ। जब तक आप अपने मन में ये धारणा लेके चलोगे मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं, आपने कौन सा संबंध जोड़ा है? संबंध का मतलब ही यही होता है, जहां पर फर्क भेद समाप्त हो जाते हैं वो संबंध होता है। और अगर आप ये सोचो हम बड़े हैं ये छोटे हैं, तो वो एक जुड़ तो रही है चीजें, पर ये मन का संबंध नहीं होगा। केवल तन के संबंध पर आकर ये चीजें टिक जाएंगी, नाम का संबंध रह जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज से बड़ा यहाँ पर कोई बैठा है क्या? यहाँ क्या पूरे संसार में कोई हो तो ढूंढ के बताइए, कोई है क्या? हाँ या ना में उत्तर दीजिए, कोई है? और वो चक्रवर्ती जी महाराज जब जनक जी आते हैं, झुकना चाहते हैं, मैं बेटी का पिता हूँ, आप वर के पिता हैं, मेरा कर्तव्य है मैं झुकूं। जनक जी जब तक झुकते उसके पहले दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जनक जी अरे मैं तो एक भिक्षुक की भांति आपके द्वार पर आया था जनक जी, और आप कितना विशाल हृदय रखते हैं, इस रंग की तरह आए हुए दशरथ की झोली आपने एक ही बार में अर्थ धर्म काम मोक्ष से भर दी। जब ऐसी भावना होती है ना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सम समधि देखे हम
आजू। तो स्वामी जी ने कहा आज प्रथम बार ऐसा सब कुछ एक जैसा है, जैसे बराती वैसे घराती, जैसा प्रेम अवध में बसता है वैसा प्रेम मिथिला में बसता है। ये यहाँ पर दशरथ जी आए हुए हैं, वो जनक जी पधारे हैं, ये अवधेश है वो मिथिलेश है, अयोध्या के राम है, जनकपुर की सीता जी है, सब कुछ एक जैसा है। कन्यादान जब होता है तो सदैव वर का हाथ नीचे रखते हैं और उसके ऊपर कन्या का हाथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर वर कुछ ले के जा रहा है, यहाँ से कुछ दे के लेने वाले का हाथ सदैव नीचे होता है। और अब मैं इस चीज में एक अवश्य आवश्यक है मेरा ये सुधार करना कि अगर आप दे रहे हैं तो देने वाले के मन में भी ऐसा कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब आज से हम बड़े। बिल्कुल नहीं, शास्त्रों ने ऐसे परंपरा नहीं मनाई है कि कन्यादान तो करते हैं लेकिन एक पल ऐसा आता है कि अपने जमाई के चरणों का स्पर्श करके माथे से पिता लगाता है। समस्त लोक रीतियां हमारे शास्त्रों ने बड़ा सोच विचार कर यहाँ पर संरचना बनाई है। बाबा जनक ने भी कन्यादान किया, भांवरी हुई, सिंदूर दान हुआ और अंततः एक वह समय जिसका इंतजार सखियां कब से कर रही थी। हमारे यहाँ जीवनार होता है, जब विवाह संपन्न होता है तो फिर सभी बरातियों को दूल्हा सरकार को पवाने की परंपरा है। पर ये परंपरा एक चीज और क्या करती है, अपने साथ क्या लेकर आती है, बिना गाड़ी के दूल्हा को पवाया नहीं जाता है। सखियां गाड़ी देती हैं और दूल्हा पाते रहते, एक ऐसा नियम बना है। सभी सखियां भी बिल्कुल तैयारी से आई हैं क्योंकि अभी अभी जनक जी ने संदेशा भिजवाया है कि सभी बरातियों को आदर के सहित आज यहाँ जन्माष्टमी में उपस्थित होने का यह जनक जी के तरफ से एक निमंत्रण आया है। श्री जी चक्रवर्ती जी महाराज चारों कुमारों के सहित चले हैं जन्माष्टमी की ओर और गोस्वामी जी ने मेरे ठाकुर जी की बड़ी सुंदर शोभा का वर्णन किया है। यहाँ पर कैसे लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, गोस्वामी जी आज एक एक शब्द में ऐसा लगता है ठाकुर जी के रूप छवि को आज गोस्वामी जी ने लिखित रूप से यहाँ पर प्रमाणित करके उनकी छवि को ही अंकित कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं श्याम शरीर सुभाये सुहावन देखो सिया के पिया, श्याम शरीर सुभाये सुहावन देखो सिया के पिया। भाई हवा चल रही है, ताली न बजाओगे तो थोड़ी देर में जाड़ा पकड़ लेगा। बेटे हो तो कुछ काम धाम नहीं कर ले। श्याम
ठाकुर जी का मेरा श्याम वर्ण का वह सुंदर शरीर आज गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर उपमा की। अरे बस इतने से समझ लीजिए मेरे ठाकुर जी जब वनवास के वेश में वनवासी वेश में गए ना वो ऋषि मुनियों का वस्त्र धारण करके तो भी इतनी शोभा थी कि भगत तो छोड़ दे ओ। असुर भी पहले ठाकुर जी की तारीफ करते थे सरकार प्यारे बड़े लगते बाबा। लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह की बात है और आज मेरे सरकार जब दूल्हा बने होंगे तो क्या शोभा रही होगी। आंखों में काजल हाथों में रुमाल मुख में पान सुंदर चंदन होगा भाल पे और जो घुंघराली लटे लटक रही होंगी सरकार पे और मोरों की वह जो लटा चेहरा रही होगी क्या कहना होगा शोभा का। ठाकुर जी पहुंचे हैं अब भोजन लगना शुरू हुआ है। अब यहां से देखिए अब ये मिथिला धाम में सरकार बैठे हैं। मिथिला धाम में ठाकुर जी जब आए हैं सखियों ने कहा कि अब तो जीवनार शुरू हो रहा है तो अब गारी देंगे। एक सखी ने कहा देखो राम जी ना तनक सीधे साधे हैं और सीधे साधे आदमी पर ज्यादा कोई जबरन नहीं अत्याचार करना चाहिए भले भोले भले का एको गारी वारी देने छोड़ो। दूसरी ने कहा अरे सीधे साधे तो छोड़ दो ये भगवान है अरे परमेश्वर है ये और परमेश्वर को गारी कैसी भगवान को भी भला कोई गारी देता है क्या परमेश्वर को गारी कैसी। तब तक दूसरी सखी ने पीछे से कहा गारी बिना ससुरारी कैसी अरे वो ससुरारी क्या जहां पर दूल्हा पाने बैठे और दूल्हे को दो चार गारी ना मिले। ससुरार के गारी का ये महत्व तो जिनको मिल चुकी है वो जानते हैं या जो तरस रहे हैं वो जानते हैं। कितना आनंद आता है ठाकुर जी को गारी भी अच्छी लगती है पर कब अच्छी लगती है जब देने वाला ये मिथिलानियों की तरह मन में प्रेम लेकर बैठा हो ना तो ठाकुर जी गारी भी सुन लेते हैं खूब अच्छे से सुनते हैं। किसने गारी नहीं दी सूरदास जी कितना प्रेम करते थे और सूरदास जी महाराज की भी कथा है पर लंबी है अंततः उसमें सूरदास जी महाराज बहुत लघु रूप में कहते हैं। सूरदास जी कथा कहकर निकल रहे थे कहीं से रात्रि हो गई सूरदास जी चले जा रहे थे। अब सूरदास जी को क्या पता आगे गड्ढा है कि रास्ता है क्या है। सूरदास जी गड्ढे में गिरने वाले थे कन्हैया ने देखा मेरा भगत गिर जाएगा। ठाकुर जी छोटे से ग्वाले का वेश बनाकर पहुंच गए अरे बाबा कहां गड्ढा में कूदे पर रहे हो बेटा तू कौन है इतनी रात में तू कहां से आ गया। मैं अरे मैं तो गोपाल हूँ मेरा नाम गोपाल है अरे मैं जंगल में गैया चराता हूँ। बाबा चलो ऐसा करो अपनी लाठी का एक छोर मुझे पकड़ाओ दूसरा आप पकड़ो आपको आपकी कुटिया पे छोड़ के आ जाता हूँ। अब सूरदास जी ने किया तो वैसे ही लाठी का एक छोर ठाकुर जी ने पकड़ा आगे आगे चल रहे और लाठी का आखिरी छोर सूरदास जी ने पकड़ा पीछे पीछे चल रहे। सूरदास जी मन में सोचने लगे इतनी रात में या कि कौन सी गैया भगी थी जो ये गैया चराने आया है। नाम गोपाल है आवाज में अमृत जैसा बिल्कुल सुख मिल रहा है ये कौन सा गोपाल है हो ना हो ये वही गोपाल है। सूरदास जी ने कहा भले पधारे आज छोड़ेंगे नहीं
आज नहीं छोड़ेगा ये सूरदास आपको। अब सूरदास जी ने चलाकी करनी शुरू की, क्या किया, लाठी का जो आखिरी छोर था ना उससे हाथ खिसकाना शुरू किया कि लाठी का हाथ खिसकाते खिसकाते अंत में जैसे वो वाला पहला छोर आएगा धर दबोचूंगा इनको और छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही सूरदास जी लाठी के पहले छोर पर पहुंचने वाले थे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब सूरदास जी ने लठिया फेंकी एक तरफ, लगे जोर से उसी समय फटकारने। और किसको फटकार रहे, भगवान को। अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोह, चलिया तो हो ये तो जानता था पर आज ऐसा मेरे साथ छल करोगी ये नहीं विश्वास था। अपने आप को बड़ा बलवान समझते हो, यही सोचते हो कि मैं बलवान हूँ, सूरदास तो निर्बल है। अरे क्या देख पाएगा, क्या पकड़ पाएगा, तो सुन ले ओ। बाह छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोहे, अरे हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं सबल बखानो तो। हाथ छुड़ाना आसान है, जिस दिन दिल छुड़ा लेना ना वह दिन आपको बलवान मानेंगे, उसके पहले आपको बलवान मानने वाले भक्तों की ठाकुर जी गारी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं। मैं कितना कहूं और कितनी बार कहूं, जीवन में प्रेम का होना आवश्यक है। मैं दूर की कथा नहीं करती, श्री अयोध्या धाम की कथा करती हूँ और एकदम सच्ची घटना आपसे बताती हूँ, जो मेरे घर के आसपास की घटना। एक पुजारी जी, बहुत साल पहले की बात है, मैं कई कथाओं में इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ। एक पुजारी जी थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे, और उनकी सुबह की शुरुआत जो होती थी ना, जैसे ही मंदिर में पहुंचे, किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे और उस अर्थ से राम जी क्या हो गए, जीजा लगे कि नहीं लगे। तो जैसे ही मंदिर का पट खोले, लोग मंत्र से पट खोले हैं, वो गाली से पट खोलते थे। पट खोलते ही देखो बैठे हैं सज धज के, हमारी जीजी को जंगल जंगल भटका दिया, इनको जरा सी दया नहीं आई, बड़े राजा धीराजा बनते हैं। 14 बरस भटकाया, और देखो कैसे बैठे यहाँ, हमारी दुर्दशा हो रही है। हम इनकी सेवा करें, हम इनकी चाकरी करें, और ये सज धज के बैठे रहे। खूब गारी दे, पूरा दिन गारी दे, लेकिन जब भोर में सुबह 4 बजे वो उठते थे ना, तो घर के जस्ट पीछे ही वो आंगन था जहाँ वो स्नान करते थे, तो वही बगीचे से हमेशा याद आती थी। उठते ही उनका एक क्रम था, क्या कहते थे, अरे राम खबरिया ले बह करी है, दाया लागी तदे बह करी है। 24 घंटा गारी दे और सुबह उठे तो क्या करे, राम खबरिया ले बह करी है और दाया लागी तदे बह करी है। मतलब राम जी खबर लेंगे ही और दया लगेगी तो देंगे ही। ये दो चीजें आप सोचो जरा, कैसे संभव ना हो ठाकुर जी क्यों ना गारी सुने, हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनते हैं और किसी की गारी पे ही मगन हो जाते हैं। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि उनके गारी में भी प्रेम है और हमारे प्रार्थना में भी कपट है। कपट है हमारी प्रार्थना, ठाकुर जी के सामने भी जाकर चतुराई करते हैं। और मैंने कल आपसे कहा था ना, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, जब ये छोड़ देंगे तब भजत कृपा करी है रघु राय, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। हम तो मंदिर में भी जाते हैं तो व्यापार की दृष्टि से जाते हैं, ठाकुर जी ये वाला फायदा कर दो, ठाकुर जी ये वाला ऐसा बना दो। अच्छा लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा जितने तंबू तने थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये रात ही रात में उखड़ जाएंगे या उड़ जाएंगे, बोलिए तनक जोर से बोलो तब लगे। उधर वाले तो अपने को बिरादरी से बाहर समझ रहे हैं ना, भैया आप भी कथा में ही हो, सब बोलो। किसी को पता था ये चीज, जब कल दोपहर तक थी कथा तक थी तो ऐसा लग रहा था कि कल भी बढ़िया यही चकाचक होगा, रात में ऐसा समाया गई कि इससे एक बात सीखिएगा, तेल चमेली चंदन
साबुन रोज लगाते हैं ना सर, तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, लेकिन जगत में कोई न परमानेंट, जगत में जगत
इसके लिए तो तैयारी कर लेनी चाहिए। सूकर कूकर बनकर आया रेट केट एलिफेंट, पर प्रभु ने कृपा करके तुझको ये नर्तन किया प्रेजेंट। रे भैया कोई ना परमा, जगत में कोई ना परमा, केवल ठाकुर जी का नाम है जो जीवन भर काम आता है, और यही होता है सच्चा नाम। ये सच्चा नाम है। दुनिया के जो नाम है ना वो फंसाने का काम करते हैं, पर ठाकुर जी का नाम फंसे हुए को बचाने का कार्य करते हैं। एक बिटिया थी, उसका विवाह हुआ, ससुराल पहुंची। अब शेर की बिटिया थी, गांव पे पहुंची तो सासू माने का दही मथले। अब केसो केसो करके उसने दही मथी। अब दही मथी तो मक्खन ऊपर आ गया, लेकिन उसे माखन निकालना नहीं आ रहा था। वो दौड़ करके सासू माँ के पास गई। माँ जी माँ जी माँ जी, चलिए मटके में से मक्खन निकाल लीजिए। सासू माँ को खुश होना चाहिए था कि नहीं, बहू रानी ने पहले पहले सही काम कर दिया। और सासू माँ भड़क गई, बिल्कुल लगी आग बरसाने। अरे बावली, अरे गंवार कहीं की, भला ऐसे भी कोई बोलता है क्या, ऐसा भी कोई करता है क्या, चार दिन की आई ऐसा तू करेगी। अब हमारे घर में आके बहू को कछु समझने नहीं आ रहा कि हमने करा का है। अंत में सासू माँ ने कहा, अरे बार बार कह रही है निकाल लो निकाल लो, अरे ससुर जी का नाम कोई ऐसे लेता है क्या। उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। अब वो बार बार कहे कि मक्खन निकाल लो मक्खन निकाल। सासू माँ भड़क गई, बार बार ससुर जी का नाम कोई लेता है। ये दिन तो बीत गया, तीन दिन बाद सेम प्रॉब्लम। फिर दही मथी उसने, अब मटके में फिर निकल आया माखन। सासू माँ के पास गई, माँ जी चलिए आए हैं। सासू माँ ने कहा, कौन आया है। अरे सासू माँ चल के देख लो आए हैं। अरे कौन आया, वही जो परसों आए थे। तो परसों कौन आया था, अरे जो जो उस दिन आए थे। सासू माँ ने कहा, अरे साफ साफ क्यों नहीं बता दी कौन आया है। अंत में उसने कहा, सासू माँ जल्दी से चलो मटके में ससुर जी आए हैं निकाल लो।
अब अभी कहती मक्खन निकाल लो तो फिर 10 गालियां सुनती। तो उसने कहा ससुर जी पधारे हैं, मक्खन मटके में चल के निकाल लिया। ये दुनिया का नाम है, सही सही काम करो तब भी फंसा देता है। और ठाकुर जी का नाम ऐसा है कि अजामिल ने तो जीवन भर गलत किया पर अंत समय में अपने बेटे का नाम भी ले लिया तो ठाकुर जी ने भी उसका बेड़ा पार कर दिया। श्री मिथिला धाम में सखियां गाड़ी देने के लिए बड़ी उत्साहित है, गाड़ी देंगे आज सरकार को। अरे ऐसा मौका कहां मिलेगा। मिथिला के जितने भी युवक है ना, छोटा सा बच्चा भी होता है तो वो ये कहता है किशोरी जी मेरी बहन है, राम जी मेरे बहनोई हैं और इस अर्थ से हम राम जी के सार हैं। सार समझते हैं ना, साले साहब कहते हैं लेकिन शुद्ध शब्द सार। मिथिला के युवकों से किसी ने कहा एक बात बताओ, दुनिया में इतने रिश्ते हैं तुम्हें सारा ही बनना था राम जी का और कछु बन जाते, सार क्यों बन गए। उन लोगों ने कहा एक बात सुनो, या पूरे संसार में राम नाम एक सार। पूरे संसार का सार क्या है, राम जी का नाम। पूरे संसार का सार है राम जी का नाम, या पूरे संसार में राम नाम एक सार और हमरी समता को करे हम सारहु के सार। संसार का सार राम जी हैं और राम जी के सार हम हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली संसार में और कौन है। सखियां जब गाली दे रही थी ना तो लखनलाल ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी ऐसे करते, पहले बुलाती हो बाद में गाली देती हो, भले ऐसे कोई करता है। सखियों ने कहा एक बात बताओ छोटे सरकार, आपको हमने कब बुलाया था, कब बुलाया, कोई डेट बताओ, तिथि बताओ, बुलवाया कब। अब सोच में तो लखनलाल भी पड़ गए कि ये बात तो सही है, बुलवाया तो नहीं गया। फिर भी लखनलाल ने कहा अरे बुलवाया नहीं तो क्या हम ऐसे ही आ गए। सखियों ने कहा बिल्कुल ऐसे आए, ऐसे ही आए। लखनलाल ने कहा निमंत्रण गया था तब हम पधारे हैं, ऐसे नहीं आए हैं। सखियों ने कहा किसके हाथ में न्योता गया था, पूछवा दो अपने भैया से, पूछिए निमंत्रण गया था क्या, पूछिए। अब लखनलाल मन ही मन सोच रहे भैया आज सत्यवादी ना बनना, आज ससुराल के बीच में बैठे सारी सरहज के, अरे आज कौन सा कुछ हो जाएगा, एक बार कह दो कि हाँ न्योता गया था। अब राम जी ने जब सखियों की ओर देखा, सखियों ने पूछा बताइए बड़े सरकार न्योता गया था, राम जी ने कहा नहीं गया था। लखनलाल ने कहा इनका मुकदमा कौन लड़ेगा जो अपने लिए झूठ नहीं बोल सकते। लखनलाल ने कहा क्या कहा भैया, क्या बोला आपने, राम जी ने कहा नहीं गया था। सखियों ने कहा क्या सरकार, नहीं गया था लखनलाल, नहीं गया था। राम जी कह रहे सखियों ने कहा साफ साफ क्यों नहीं बताते, सरकार कहते हैं नहीं गया था गया था। राम जी ने कहा हम एक झूठ नहीं बोल रहे, नहीं गया था हमारे पास, गया था गुरु जी के पास, दोनों बात। सखियां गारी देती हैं ठाकुर जी को, गारी देने की इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मिथिलानियां आई सरकार को गारी देने, ठाकुर जी के मुखारविंद की ओर देखा, मुख की शोभा देखते ही जितनी खड़ी थी सब बावली हो गई। राज की बातें सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी, जीवन बैठे सभी सूत चार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, देखत राम को रूप अनूप, भुलाय गई सुध देख निहारी, भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश गारी।
अपने समधी जी को गारी देने बड़े तैयारी से पधारी थी, लेकिन राम जी ने देखा, देखकर मुस्कुराए। सखियां जितना भी पाठ याद करके आई थी सब भूल गईं। गारी में जितने जगह अवधेश बोलना था उतने जगह सखियों ने मिथिलेश जी बोलना शुरू किया, गारी जनक जी को देना शुरू कर दिया। सखी ने कहा तुम्हें सब तो बार बार कह रही थी बड़े सीधे हैं, अब देख लो सिधाई, सारा किया कराया खराब करके रख दिया। लेकिन मिथिलानिया कहती है सरकार हमने तो सोचा था आपको थोड़े पे छोड़ देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। राम जी जब आए ना तो थोड़ा तेज तेज चल रहे थे मंडप की। सखी कहती है सरकार कौन सा आप ताड़िका मारने जा रहे हो कि भागम भाग लगे, अरे आराम से चलो विवाह करने जा रहे हो। सखियां कहती हैं चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, आराम से चलो ना सरकार। अब राम जी एकदम ही धीरे धीरे एक एक कदम धरने लगे तो सखी ने फिर क्या बोला, अरे पग धीरे कैसे दूल्हा धरत ए सखी, चले ऐसे जैसे कोल्हू के बारात ए सखी, जैसे कोल्हू का बैल नहीं चल पावे बेचारा वैसे ये दूल्हा सरकार एक एक कदम धर रहे। लखनलाल ने कहा भैया ऐसा करो खड़े हो जाओ, कहे कि ये जीने नहीं देंगी, तेज चलोगे तो कहेंगी धीरे चलो, धीरे चलोगे तो कहेंगी बैल की तरह चल रहे हैं। सखियों से लखनलाल ने कहा एक बात बताओ, किस विधि चले कि परे ना गाली, हमें वो वाली चाल बताओ जो चाल भैया चले और तुम गाली ना दो। सखियां कहती हैं बोले लखन सुनोरी आली बड़ी यहाँ की रीत निराली, के विधि चले कि परे न गाली, जो भी चाल चलो सब ही में देती दोष बताए, धीरे चलो तेज चलो तुम्हें सब ही में समस्या आन पड़ी है। तो सखियों ने कहा ओ छोटे सरकार अवध नहीं ये है ससुरारी, और सुनो यहाँ पग पग पे गारी, ये अयोध्या नहीं है ये ससुरार है हमारा, जब मन करेगा हम तब गारी देंगे, हम सारी सरज हैं घी दूध की खाई मिथिलानिया है मामली समझे क्या, हम ठाकुर जी पा रहे हैं और सखियां गारी दे रही हैं। क्या कहती हैं सखियां, हो चलो देखे जनक जी के द्वार रामचंद्र दूल्हा बने, चलो दूल्हा
और सखियां क्या कहती हैं, अरे सखी दुल्हा को छोड़ो समधी जी को देखो। समधी जी की है बात निराली, समधी जी की है बात निराली, समधी जी की है बात निराली, समधी जी की है बात निराली। लोग वादे तकारे कारे
से बढ़ेगी। तो मेरे ठाकुर जी का जीवनार संपन्न हुआ। इसके उपरांत यह जो कथा आती है कि बारात जब जब भी विदा लेने की बात करती है ना, तब तब भी जनक जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज को आग्रह करते हैं, रोक लेते हैं, महाराज अभी कहां कितने दिन हुए आपको यहां आए हुए। बारात विवाह के 15 दिन पहले जनकपुरी में आ गई थी और कहते हैं संतजन की 6 माह 6 महीने तक बारात मिथिला धाम में रुकी थी, लेकिन फिर भी जनक जी जब भी विदा मांगने की बात आए, दशरथ जी कहे विदा कर दीजिए, जनक जी महाराज कहते महाराज हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या जो आप जाने की बात करते हैं, कुछ दिन और रुक जाइए, घर पे अगर अतिथि पधारे तो उनका स्वागत कैसे हो। ये बात मानस के इस प्रसंग से सीखने को बहुत अच्छे से आती है। अतिथि आते हैं तो अगर अतिथि कहते हैं कि अच्छा अब हम चलते हैं, तो बाहर से तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं रुक जाते तो हमें अच्छा लगता, और भीतर से कहते हैं अब चले ही ना जाओ, बड़े दिना हो गए। पर मिथिला का यह प्रसंग, मिथिलापुर वासी नित्य नवीन स्वागत करते हैं समस्त बरातियों का और ठाकुर जी का। लेकिन अब गुरुदेव के समक्ष जाकर दशरथ जी ने कहा गुरुदेव इतने दिन से हम अयोध्या छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, अयोध्या का राज सिंहासन सुना पड़ा है, जनक जी के सामने मैं जब भी विदा मांगने जाता हूँ वो कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत कर देते हैं मैं फिर बोल नहीं पाता था, अब आप ही उनको कुछ संकेत करें, आप ही उन्हें समझाएं। श्री जनक जी को अब संतों ने गुरुजनों ने समझाया जनक जी हमें पता है कि आप इस बारात को विदा क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके हृदय में जो अपने पुत्री के लिए प्रेम है और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि अयोध्या की बारात विदा होगी, राम जी जाएंगे और राम जी के साथ ही आपकी किशोरी जी भी जाएंगे। पर जनक जी आप तो ज्ञानी हैं, भली प्रकार से समझते हैं कि ये तो संसार का नियम है, ये विधि का विधान है कि कन्या को अपने पिता का गृह छोड़कर अपने ससुराल की ओर जाना ही पड़ता है। मैं प्रार्थना करूं जिसको जाना है ना बढ़िया मौन होके जाइए, बोलते हुए कथा में विघ्न मत डालिए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री जनक जी महाराज को जब गुरुजनों ने समझाया, अब जनक जी ने कहा प्रभु ठीक है कल मैं बारात को विदा कर दूंगा। जैसे ही पूरे मिथिलापुर धाम में यह सूचना प्रसारित हुई कि कल वैदेही मिथिला से चली जाएंगी, कल राम जी इस अयोध्या की ओर चले जाएंगे, पूरी मिथिला नगरी में अभी तक जो हर्ष था, आनंद उत्सव का समय चल रहा था, आज पूरी मिथिला नगरी शोक के सागर में डूब गई। कल राघव जी चले जाएंगे, कल से कहाँ ये सुख मिलेगा, कल से कहाँ इनके दर्शन का लाभ मिलेगा, कल हमारे राम जी चले जाएंगे। और सत्य विचार करके देखिए, जिसके जीवन में भगवान आ जाए, कौन सा संसार का ऐसा प्राणी है जो यह विचार करे कि भगवान अब चले जाएं। और अगर बेटी के विदाई की बात करूं, ये कुछ स्पष्ट करके बताने की बात नहीं है कि जब बिटिया घर से जाने लगती है तो पिता को कैसा कष्ट होता है या फिर परिवार के जनों पर क्या बीतती है। आज के संसारिक समय में जब पिता की यह दशा होती है तो जरा विचार करिए, जिन बाबा जनक की किशोरी जी के जैसी लाडली बिटिया रही होगी, जब मैया के जाने की बेला आई होगी, बाबा जनक कैसे धीर धर पाए होंगे। श्री गोस्वामी जी महाराज मैया के विदाई के प्रकरण का वर्णन करते हैं कि वैदेही के अब विदाई की तैयारी हो गई है, अयोध्या मिथिला के नर नारियों की बात को तो गोस्वामी जी ने किनारे कर दिया, वो तो बात की बात है, आज वैदेही के जाने से मिथिला के पशु पक्षी तक बेहाल हैं।
अश्वशाला में अश्व रो रहे हैं, गोशाला में गौ माता रो रही है, स्वर्ण के पिंजरे में बंद तोता मैना आज रो कर कह रहे हैं, हमें यहाँ से निकाल कर बस कोई हमारी वैदेही के साथ भेज दो। गोस्वामी जी लिखते हैं मैया की विदाई के प्रकरण में। जैसे ही विदाई की बात फैली है, समस्त मिथिलापुर वासी अत्यंत शोकाकुल हैं। सुनैना मैया अपनी चारों कन्याओं को सुंदर नारी धर्म की शिक्षा का उपदेश दे रही है। मेरे राघवेंद्र सरकार मैया से आज्ञा लेने पधारे, माँ अब विदा दो। सुनैना मैया जब रोने लगी, राघव जी ने कहा, माँ मुझे अपना जमाई मत समझना, माँ मुझे अपना पुत्र समझना। सुनैना माँ ने कहा, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मेरे मन की भी बात जानते हैं, महाराज के मन की भी बात जानते हैं, तो आप ये अवश्य जानते होंगे राघव कि किशोरी हमारे लिए क्या है। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं है रघुनंदन, महाराज के प्राण बसते हैं किशोरी में, और ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझसे आकर ये बात कहते हैं। जगत पिता आकर मुझसे कहता है, माँ मुझे अपना पुत्र जानना। मैं आपसे नित्य प्रति एक निवेदन करती हूँ, आप भगवान से एक बार विश्वास के साथ कोई संबंध जोड़ कर तो देखो। जोड़ना आपका काम है, पर उस संबंध का निर्वाह करना मेरे ठाकुर जी का उत्तरदायित्व बन जाता है। मैंने कई बार आपको कथाओं में शायद आपने सुना हो, पर पुनः चर्चा करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर भक्त, और भक्त किस लिए, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठकर वो राम राम जपते हैं या दिन भर मंदिर के ही डेरे फेरे लगाते रहते हैं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा भगत है, बस कहीं एक बार सत्संग में सुन लिया था क्या कि इस संसार के कण कण में राघव जी व्याप्त हैं, जो होता है जो करते हैं सब कुछ रघुनाथ जी करते हैं। जाति से मल्लाह, जाति से केवट। अब उनका स्वभाव ऐसा बन गया, इतने भोले भाले कि नाम ही पड़ गया भोला भगत। कोई कुछ भी पूछे, भैया भोला उस दिन सभा में तुम भी बैठे थे ना, जरा बताओ तो उस दिन क्या घटना घटी थी। भोला भगत का एक जवाब, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। कोई कुछ भी बात करे, भैया तुम ये काम मेरा कर दोगे क्या, मैं क्या जानूं, भैया रघुनाथ जी जाने। एक उनके जीवन का मंत्र बन गया है ये, करता धरता सब कुछ मेरे रघुनाथ जी हैं, और रघुनाथ जी ही सब संभालते हैं, वो जाने। बिटिया सयानी थी, विवाह करना था, पुत्रों के कहने पर नगर सेठ से धन कर्ज ले लिया। विवाह तो संपन्न हुआ, पुनः जब धन का अर्जन हुआ, धन एकत्र हुआ, सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी आपने बड़ी कृपा करके ये सारी व्यवस्था के लिए धन दिया, ये रहे आपके पैसे, ये आज मैं उधार आपका चुका रहा हूं। सेठ ने पैसे लिए और एक रसीद दी कि हाँ भोला का सारा कर्ज उतर चुका। जय सीते जय सीते 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 सिया सिया। सीते सीते
सियावर रामचंद्र की। अब ये भोला भगत जी की कथा मैं सुनाऊंगी आपको, कल की कथा। उसका कारण ये है, भाव की कथाओं को भगदड़ में नहीं सुना जाता, भाव की कथा को भाव से सुने तो आनंद आता है। तो कथा पर हम चर्चा करेंगे, पर कल की कथा के मध्यान करेंगे। अभी प्रसंग को आगे लेते हुए हम आगे की कथा पर चर्चा करते हैं। श्री जनकपुर धाम से जब बारात निकलने लगी, श्री जनक जी महाराज की दशा कैसी? बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, बाबा जनक। किशोरी जी को आज जैसे ही महल में प्रवेश किया ना मैया सुनैना के महल में, 16 श्रृंगार से सुसज्जित आज किशोरी जी समक्ष खड़ी थी बाबा जनक के। देखते ही श्री जनक जी महाराज, ये विदेह राज कहे जाते हैं। श्री याज्ञवल्क जी महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे, ब्रह्म पर चर्चा कर रहे थे। मन में विचार हुआ कि जनक जी को पूरा संसार ज्ञानी कहता है, एक छोटी सी परीक्षा लेकर देखा जाए कि इनके ज्ञान की सीमा कहाँ तक है। सेवकों से कहकर एक ऐसी अफवाह फैलाई कि जल्दी सब भागो क्योंकि नगर में आग लग गई है। जैसे ही सुना, बाकी जो लोग बैठे हुए थे, कुछ उसमें संत थे, कुछ नगर के लोग थे, भाग पड़े अपनी अपनी कुटिया को बचाने के लिए। याज्ञवल्क जी ने कहा, मन में विचार किया, बताओ पूरा संसार घर द्वार छोड़ करके भगवान के पास आए थे और एक कुटिया को बचाने के लिए भगवान को छोड़कर चल दिए। जनक जी बैठे थे। पुनः याज्ञवल्क जी ने कहा, जनक जी आप भी जल्दी से जाइए क्योंकि सुनने में आ रहा है आपके महल तक आग पहुंच गई है। जनक जी ने कहा, मुनिवर एक दिन तो सबका सब कुछ मिटना ही है, जो कुछ दिन बाद मिटना है वो कुछ दिन पहले मिट जाए तो क्या घाटा है, मुझे तो आप जो चर्चा सुना रहे थे बस वो सुनाइए। थोड़ी देर बाद याज्ञवल्क जी ने कहा, राजन आपके परिवार के जन भी अग्नि की चपेट में आ गए, जलने वाले हैं, अब तो दौड़कर जाओ उनकी रक्षा करो। जनक जी ने कहा, प्रभु ब्रह्म की चर्चा को छोड़कर आज मैं जाऊं और किसके लिए? अरे जो आज स्वयं जलने वाले हैं कल वही मुझको जलाएंगे, किसके लिए भाग कर जाऊं, सबको तो जलना है। अंततः याज्ञवल्क जी ने कहा, राजन अग्नि धीरे धीरे आपके पास तक आ चुकी है, अब आपका शरीर जल जाएगा, अब उठ जाओ इस आसन से। जनक जी ने कहा, अगर प्रभु की कथा सुनते सुनते आज मैं यहाँ पर आपके चरणों में बैठकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। उस दिन याज्ञवल्क जी ने कहा, राजन आप सिर्फ ज्ञानी नहीं है जनक जी, आप तो विदेह राज हैं। और उस दिन विदेह की उपमा प्रदान कर दी है जनक जी को, ये वही विदेह राज हैं। लेकिन आज जब जनक जी ने अपनी बेटी किशोरी जी को देखा है, सियाजू पर निगाह पड़ी है, बाबा जनक दौड़ करके गए हैं और मैया को हृदय से लगा लिया है। श्री जनक जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आज देख करके वहां पर खड़ा हर एक व्यक्ति आश्चर्य में।
जनक जी तो इतने ज्ञानी हैं और इतने ज्ञान को धारण करने वाले जनक जी की आज ऐसी दशा, श्री जनक जी महाराज को सुनैना मैया समझाती हैं, महाराज धैर्य धारण करें, धीरज रखें महाराज, आप अगर ऐसे अधीर हो जाएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा। जब बिटिया का विवाह होता है, विवाह के प्रथम दिन से ही, जब से विवाह सुनिश्चित होता है उस दिन से ही अगर मैं चर्चा करूं, पिता का एक ऐसा हाल होता है, बाहर से वह जितना प्रसन्न दिखाई देता है भीतर से वह उतना टूटता रहता है। जिस दिन विवाह की घड़ी आती है ना, जब कन्यादान होता है बेटी का, उसी पल उसी क्षण माता पिता के हृदय में ऐसा ऐसा एक दुख का सागर उमड़ता है कि बस ये मैंने कन्यादान, ये चंद मंत्रों के साथ मैंने अपनी बिटिया का कन्यादान किया और आज से मेरी बेटी फिर मेरे घर को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। श्री जनक जी महाराज अत्यधिक दुखी हैं। सजल नेत्रों से किसी भी तरह चारों कन्याओं को पालकी में बिठाया है। पालकी में बिठा करके जब अयोध्या की ओर प्रस्थान किया, दशरथ जी के चरणों में जनक जी प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपसे निवेदन किया, श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी को धैर्य बंधाया, महाराज धीरज रखिए, यूं अधीर ना होए आप। अरे मैं यहाँ से पुत्र वधुएं लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो चार पुत्री लेकर के जा रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाबा जनक भी नहीं जानते कि आज जिस कन्या को, जिस बेटी को बाबा जनक 16 श्रृंगार से सुसज्जित करके भेज रहे हैं, अब जब इन सियाजू से मुलाकात होगी तो चित्रकूट का वह क्षेत्र होगा जहां पर वलकल वस्त्र में मां वैदेही अपने पिताजी से भेंट करेंगे। श्री अयोध्या धाम में बारात लौट करके आई है और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब रघुनंदन बारात के सहित अयोध्या में पधारे, पूरे त्रैलोक्य का हर्षोल्लास आज अयोध्या में आकर विराजमान हो गया है। जब तेराम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, जब विवाह की फलश्रुति में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जी सब प्रेम गावहि सुनहि, दिन कहूँ सदा उछाहु मंग
मंगलायतन राम जस। रघुवीर श्री राम जी के इस विवाह गाथा का जो भी जन गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, उनके जीवन में सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा, इस कामना के साथ गोस्वामी जी ने बालकांड को विश्राम दिया है। ठाकुर जी का जब पदार्पण हुआ है श्री अयोध्या धाम में और मैया के मुख दिखाई की बारी आती है, हमारे यहाँ भी परंपरा है जब बहू आती है तो मुंह दिखाई में कुछ भेंट देते हैं, उपहार देते हैं। जब पालकी आई तो सभी माताएं अत्यंत हर्षित की अब मेरी पुत्र वधुएं आ गई हैं, मुख दिखाई का कार्य शुरू हुआ, सबने मुख दिखाई कर ली, मैया सुमित्रा ने, मैया कैकेयी ने, एकमात्र बच्ची है अभी मैया कौशल्या। मैया कैकेयी ने एक स्वर्ण का महल बनवाया था, उस महल को किशोरी जी को मुख दिखाई के रूप में भेंट में दे दिया कि आज से आप राघव जी के साथ इसी महल में निवास करेंगे। और आज भी हमारे अवध धाम में हमारे कनक बिहारी सरकार विराजमान है, जो भी गए हैं उन्होंने दर्शन लाभ प्राप्त किया होगा। सुमित्रा मैया की चर्चा में दो बातें आती हैं। कुछ जन कहते हैं कि लक्ष्मण भैया को मैया के चरणों में डाल दिया कि ये मेरा पुत्र है और आज से आप इसकी माता हो, अब ये आपका पुत्र हुआ। और कुछ संत कहते हैं मैया सुमित्रा ने चूड़ामणि प्रदान की थी। मैया कौशल्या की जब बारी आई, मैया कौशल्या बड़े अचंभे में है, मैं क्या दूं क्या दूं मैं। खोजी आई कौशल्या बिचारी बड़े हौसला से, पर बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। हम किसी को भी तोहफा उपहार देने से पहले एक बार सोचते हैं ये उसके लेवल का है कि नहीं है, ये उसके लायक है कि नहीं है, उसकी योग्यता के अनुरूप हम उपहार देते हैं। मैया कौशल्या के साथ समस्या क्या, वो जो भी चीज देने के बारे में सोचती, फिर किशोरी जी के मुखमंडल की ओर देखती, मैया कौशल्या को लगता ये तो बड़ा फीका पड़ रहा है। त्रैलोक में अपने मन मस्तिष्क को माँ कौशल्या ने दौड़ाया है पर कुछ मिला नहीं है। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, ये सियासी बहु को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहां सीय समुताई जोग, निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही तीनों सीए के हाथ माही, ये ले बहु यही तेरे मुख की दिखाई है। मैया को जब कछु नहीं मिला, राघव जी का हाथ लिया अपने हाथ में और किशोरी जी से हाथ बढ़ाने को कहा, और अपने हाथ में जो राघव जी का हाथ था वो हाथ किशोरी मैया के हाथ में दिया और कहा बहू ये मेरा राघव आज से आपका हुआ, मैं मुंह दिखाई में आपको देती हूँ। राम जी को ही मुख दिखाई में दे दिया है। अयोध्या में अत्यंत आनंद है, हर्ष है, उत्सव है। देखिए अभी मैंने प्रारंभ में आपके समक्ष हम सब ने एक भजन सुना गाया कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सत्य बात है, मुझे कबीर दास जी की एक बात याद आ रही है। कबीर दास जी कहते हैं कि मरा हुआ जिंदा को मारे ये भी बड़ा अचंभा है, मरा हुआ जिंदा को मारे ये भी बड़ा अचंभा है। कबीर दास जी की जो वाणी है ना वो सबकी समझ में नहीं आती है। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास जी के इस वाक्य को सुनकर लोग सोच में पड़ गए कि मरा हुआ किसी जिंदे को कैसे मार सकता है। आप में से किसी की समझ में आया, कोई मरा हुआ किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे मार सकता है। कबीर दास जी से पूछा महाराज आप ही समझाओ इसका मतलब क्या है।
संतों ने क्या अर्थ बताया, सीधे सरल शब्दों में समझिए। आपने आज तक कभी भी किसी कपड़े को किसी व्यक्ति के लिए रोता हुआ देखा है कि हाय रे मुझे पहनने वाला कोई नहीं मिला, कभी देखा है? आपने किसी घर को देखा है जो रो रहा हो, हाय मुझे कोई मालिक नहीं मिला, कोई मालिक मिल जाओ? कभी किसी घर को रोते देखा है? कभी किसी गाड़ी को तड़पते देखा है, अरे मुझे कोई चलाने वाला मिल जा रही है? कभी देखा है? आपने किसी घर को रोते नहीं देखा होगा मालिक के लिए, पर मालिक को बहुत बार रोते देखा होगा घर के लिए। आपने कभी गाड़ी को रोते नहीं देखा होगा चालक के लिए, पर चालक को तड़पते देखा होगा एक दो पहिया से चार पहिया मिल जाए तो आनंद आ जाए। कभी किसी वस्त्र को रोते नहीं देखा होगा पहनने वाला मिले, पहनने वाले को रोता देखा होगा कुछ पहनने को मिले। कबीर दास जी कहते हैं ये घर, ये मकान, दुकान, ये गाड़ी, ये कपड़े, ये सब निर्जीव हैं, और ये निर्जीव चीजें आज के समय में जिंदा व्यक्ति को 24 घंटे मारती रहती हैं। इसीलिए मैंने कहा मरा हुआ जिंदा को मारे ये भी बड़ा अचंभा है। इन्हीं चीजों के पीछे तो इंसान दुखी होता है। मैं सदैव एक प्रार्थना करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ, आपके धन के कमाने से समस्या नहीं है, धन कमाया जाए, पर धन कमाने के पीछे का रास्ता सही होना चाहिए। धन एकत्र किया जाए, पर एकत्र अगर 100 अपने लिए करते हैं तो 10 तो भगवान के लिए किया जा सकता है कि नहीं? और सब कुछ करते हुए भी मन में एक बात रखिए। एक ठाकुर जी के बहुत अच्छे भगत हुए हैं पथिक जी, उन्होंने कहा संसार के जीव आप कुछ छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ना। किसी ने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो एक सरल रास्ता बता दिया कि कुछ छोड़ना नहीं है। आगे पथिक जी ने कहा तुम छोड़ने वाले होते कौन हो, आप छोड़ सको ये सामर्थ्य क्या है हमें? मैंने आपसे बीच में भी कथा के मध्याह्न चर्चा की तो ये एक ऐसी बात, और मैंने इसकी चर्चा इसलिए आप सभी के समक्ष रखी। मुझे पता है कि अब सबको बस घर ही घर दिखाई दे रहा है, हमें भी पता है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा प्रसंग अपने समय से पूर्ण होगा तब तो घर तो जाना ही है। घर कहाँ भाग रहा है, वो तो रोज ही बुलाता है, 4 दिन बाद भी बुलाएगा। घर में रहना बुरा नहीं है, घर को अपने अंदर रखना बुरा है। एक वो होता है कि हम दुनिया में रहते हैं, एक ये होता है दुनिया हम में रहती है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, भजन कर जिंदगानी में, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। तो ठाकुर जी से एक प्रार्थना करेंगे और उसके साथ वाणी को विराम देंगे। पर सब गई हो भाई हैं, सब लोग गाना। हो प्रभु जी मेरी बीच भावर में पार लगा दो मेरी किसको किसको अपनी नैया पार लगवानी है, तो आप बताओ कहां से किसके हाथ को देख ले और सब साथ में गाइए। प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाव, प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार लगा दो मेरी नाम।
सतयुग के भगवान तुम्हें हो, 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 आज त्रेता वाले राम तुम्हें हो, त्रेता वाले राम तुम्हें हो, भंवर में पार।
जितना ताकत पांच दिनों से बचाया है आज लगा दे उस सगरों। हरि जी मेरी बीच भंवर में पार, प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार। कुछ लोग अभी भी हमें ऐसे घूर रहे हैं, इनको तो पार लगा दो, हमें चूल्हा चेताना बाकी अभी घर चेता दे। यो का करना है, बनाना खाना सोना है तो कर लेना कर, अभी गाओ। हरि जी मेरी बीच भंवर में पार, नहीं गाओगे तो रतिया भर यही गवाएंगे, नहीं तो गा ले वो छुट्टी पालो आरती करके घरे जाओ। हरि जी मेरी बीच भंवर पार, प्रभु जी मेरी बीच भंवर में ताली। हरि जी मेरी बीच भंवर में पार। ए बैठे वालों कमजोरी से नहीं ढंग से बजाइए ताली। हरि जी मेरी बीच भंवर में पार, और जोर से प्रभु जी मेरी बीच भंवर में पार। हाँ चलो इतना काफी नहीं है, सौ कल गायब हो जाए अब नहीं जाए। हाथ ऊपर करें सब प्यार तालियों के साथ। हमारी तो पूरी एनर्जी बची है, काहे कि चार घंटा बोले नहीं है। आप लोग थोड़ा सा पस्त हो गए होंगे। देखिए कल की कथा में हम सभी लोग ठाकुर जी के वन गमन की और केवट जी के सुंदर चरित्रों की कथा का श्रवण करेंगे। आज की जो कथा हुई ना, इसमें एक चीज जरूर जीवन में लेकर जाइएगा कि अतिथि का सत्कार कैसे हो ना, ये मानस जी की इस कथा से सीखने योग्य बात है। आज के समय पे अभी यहाँ का तो मुझे नहीं पता, पर बहुत जगह का पता है। मेहमान आ जाते हैं, जितने दिन मेहमान रहते हैं उतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी घटना बताओ, कह दो तो बता दो, नहीं तो बंद कर दो। अच्छा बता देती, छोटी सी तो है। एक घर में मेहमान आए, अब उनको जाने का मन ना करे और घर वालों को रखने का मन ना करे, लेकिन अब घर वाले कैसे कहते कि अब जाओ। घर के मालिक बार बार वो उसमें अखबार में रेलवे का टाइम टेबल निकलता है ना, बार बार पलट के रखे, आज का अखबार आपने पढ़ा, वो सीधा करके रखे, मेहमान उल्टा करके रखते, अरे सब पुरानी खबर है। अब बेचारे परेशान पत्नी से कहा, ये तो टिक गए जा ही नहीं रहे। पत्नी ने कहा, अरे खवा आज पकौड़े बनाओ, आज ये बनाओ। अरे खवाओगे तो काहे मेहमान जाएंगे, रहेंगे ही ना। पति ने कहा, ऐसा करो, सारा मामला भोजन का ही है, भोजन मंद मेहमान गायब, तो ऐसा करो झूठ मूठ का हम तुम लड़ाई करते हैं, झूठ मूठ का मेहमान के सामने लड़ेंगे, तुम कह देना आज से भोजन नहीं बनेगा, बस मेहमान चले जाएंगे। अब ये दोनों आए, शाम का समय हुआ, पत्नी चाय लेकर के पहुंची। पत्नी ने जैसे चाय पकड़ाई, पति ने चाय पी और सीधा गुस्सा करना शुरू किया, ये कोई चाय है? तुम्हारी माने तुम्हें चाय बनाना नहीं सिखाया? अरे कर्म फूट गए हमारे जो तुमसे ब्याह हो गया हमारा, पता नहीं कौन से लगन मुहूर्त में तुम आन पड़ी हमारे घर। अब पत्नी का कहा था, अरे हम इतने बुरे हैं तो क्यों
बनाएंगे, अब कुछ बनाएंगे ही नहीं। अब कमरे में गई, रोना शुरू कर दिया। पति देव झगड़े में, मेहमान ने देखा मामला गरम है, मेहमान ने अपना बैग पैक कर लिया। मेहमान ने कहा देखो भैया घर का मामला है, प्यार से समझ लेना, मारना पीटना नहीं। इधर मेहमान कमरे से निकला, पति देव कमरे में पहुंचे। अरे पगली क्यों रो रही है, मैं तो तुझे झूठ मूठ का डांट रहा था, तू तो सच में रोने लगी, मैं तो मजाक कर रहा था, झूठ में डांटा। तो पति ने कहा तुम मैं कौन सा सच में रो रही थी, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। तब तक मेहमान अंदर आए और कहे तुम मैं कौन सा गया था, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। सब तो मजाक ही हुआ, एक एक मजाक ही हो गया पूरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहियो, कल कथा में टाइम पे आइए, क्योंकि कल की कथा समय से ही प्रारंभ होगी। आइए प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ हाड़ी को विराम, आरती प्रसाद लेके आप सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिएगा। राम राघव की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया सिया, राम राघव की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया सिया, प्रजननम मे सुदसवीर गुं सर्वगण गुं सुस्तये आत्मसनी प्रजासनी पशुसनी लोकशन्य भेषनी अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुत्मन्नं पयोरितोऽस्मा सुधत्ता। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सन का दिशीष अरुशारद, वरनि पवन सुत कीरति नीके। आरति श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सिय पीके। गावत वेद पुराण अष्ट दस, सबो सात सब ग्रंथन कोरस। गावत वेद पुराण अष्ट दस, सबो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब गीके। आरति श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सिय पीके। आरति श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सिय पीके। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषण गरुण के गीत। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पीके। कलि मन हरण विषय रस पीके, शुभ
मोहक श्रृंगार मूर्ति जुबती की। मलहरणी विषय रस पीगी, सुभग श्रृंगार मूर्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमीगी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीगी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा।